नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्म बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बॉलीवुड की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने करणी सेना की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल करणी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई पर बेस्ड एक्ट्रेस की फिल्म मणिकर्णिका का विरोध किया है। उन्होंने निर्माताओं को धमकी दी है कि अगर फिल्म नहीं दिखाई गई तो वो तोड़फोड़ करेंगे और मूवी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने देंगे। बहरहाल कंगना ने करणी सेना की धमकी का करारा जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि वो किसी से डरी नहीं है, बिना लड़े हिम्मत नहीं हारेगी। साथ ही कंगना ने कहा है कि फिल्म 4 इतिहासकारों ने देखी है, हमने सेंसर से सर्टिफिकेट भी लिया है। इस बारे में करणी सेना को भी बता दिया गया है, लेकिन वो लगातार मुझे हैरेस कर रहे हैं। अगर वो नहीं रुके तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं राजपूत हूँ, उनमें से एक एक को नष्ट कर दूंगी। जी हाँ, कंगना रनौत ने दिया है करणी सेना को मुंहतोड़ जवाब, और ऐसा जवाब जिसने करणी सेना को भी हैरान कर दिया है, और इसकी उम्मीद करणी सेना ने भी नहीं की थी। आपको बता दें कि कंगना की मणिकर्णिका 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये पीरियड ड्रामा कंगना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मणिकर्णिका से कंगना बतौर डायरेक्टर भी डेब्यू कर रही है। उन्होंने डायरेक्टर क्रिश के NTR की बायोपिक में बिजी होने के बाद प्रोजेक्ट का निर्देशन खुद संभाला। शुरुआत से ही फिल्म विवादों में रही। वहीं करणी सेना ने पिछले साल पद्मावत का भी विरोध किया था। चलिए आपको बताते हैं कि करणी सेना का आरोप क्या है। दरअसल करणी सेना का आरोप है कि मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई के ब्रिटिश अफसर के साथ कथित अफेयर दिखाए जाने से सेना नाराज है। संगठन का दावा है कि फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई को एक गाने में डांस करते हुए भी दिखाया गया है, जो राजपूतों की सभ्यता के खिलाफ है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मणिकर्णिका पे कहा है कि कंगना रनौत की मणिकर्णिका का भी पद्मावत जैसा हाल होगा। हमने निर्माताओं से बात कर कहा है कि वो फिल्म को रिलीज से पहले हमें दिखाएं। बहरहाल कंगना ने अब मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अब देखना ये होगा कि कंगना के जवाब पर करणी सेना का क्या रिएक्शन सामने आता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।